मुस्लिम के जानवरों की खुराक ग्रास होती है। हाँ, डैड फिर से लेट हो गए। पता नहीं उन्हें इतनी देर कैसे हो गई। इतना घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे गेम खरीद कर देंगे जिसकी आज सेल है। घर आ गया। अरे वाह, डैड आ गए। डैड सॉरी नोबिता, मुझे आज देर तक काम करना पड़ा, इसलिए मैं तुम्हारा गेम लाना भूल गया। आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। आपने आज खरीद कर देने का वादा किया था। कोई बात नहीं नोबिता, आज उन्हें ज्यादा काम करना पड़ा ना, रहने दो। हाँ, पर इन्होंने वादा किया था ना। अगर ये घुमाने ले जाए तो? अरे हाँ, आपने मुझे अम्यूजमेंट पार्क ले जाने का वादा किया था, है ना? हाँ हाँ, वो वादा किया था। मुझे कल भी काम करना है। क्या हम अगले हफ्ते अम्यूजमेंट पार्क चल सकते हैं नोबिता? अरे नहीं, क्या आप छुट्टी वाले दिन भी काम कर रहे हैं? हाँ, मेरा कुछ जरूरी काम है जो मुझे पूरा करना है। मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ नोबिता। मुझसे बात मत कीजिए। बेचारा नोबिता। बुरा हुआ। मुझे पता है नोबिता बहुत दुख महसूस कर रहा होगा। कितनी गलत बात है, डैड हमेशा काम का बहाना बना देते हैं। किसी को भी कभी अपने काम के बहाने अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन नोबिता, मुझे लगता है उन्होंने जानबूझकर अपना वादा नहीं तोड़ा। उनका काम भी तो बहुत जरूरी है ना, ये तुम नहीं समझोगे। हाँ मैं जानता हूँ, पर अब मैं अम्यूजमेंट पार्क नहीं जा सकता। तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए डोरेमोन। हाँ आइडिया, मेरे साथ एक गेम खेलोगे? एक्सपीरियंस एनीथिंग फॉर अ डे मशीन। पर ये है क्या? इससे तुम किसी भी जॉब का एक्सपीरियंस ले सकते हो, जैसे टीचर या फिर कारपेंटर, लेकिन इसका एक्सपीरियंस सिर्फ एक दिन के लिए होगा। चलो बिजनेसमैन बनकर ट्राई करते हैं। तुम क्या बनना चाहते हो नोबिता, एक प्रेसिडेंट या फिर मैनेजर? अगर बनना ही है तो मैं एक प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। क्या एक प्रेसिडेंट? लेकिन प्रेसिडेंट का काम तो सबसे मुश्किल होता है, उसे अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा ऐसी बात है, पर अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो ना सिर्फ मैं सोच सकूंगा बल्कि जितने चाहे उतने गेम खरीद सकूंगा। अब तुम जल्दी करो और मुझे प्रेसिडेंट बना दो। तो ठीक है, मैं तुम्हें प्रेसिडेंट बना देता हूँ और तुम्हारी कंपनी का नाम होगा नोबिता इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है? हाँ। ये अब ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तुम सुबह तक प्रेसिडेंट बन जाओगे नोबिता। चलो अब थोड़ा सा सो लेते हैं, क्या कहते हो? ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं खेलने जा रहा हूँ। अरे लगता है नोबिता तो सब भूल गया। सर आप यहाँ कहिए सर, क्या बात है? गुड मॉर्निंग मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं आपको लेने आया हूँ यहाँ पर। क्या कहा प्रेसिडेंट? हाँ? अरे मैं प्रेसिडेंट हूँ। जी मिस्टर प्रेसिडेंट। हाँ? मैं तो सचमुच में प्रेसिडेंट बन गया। अरे वाह कमाल है। मुझे मेरे ऑफिस लेकर चलो। जी हाँ बिल्कुल सर, आइए बैठ जाइए सर। मैं जानता था प्रेसिडेंट होना कितना अच्छा होता है। अरे मैं आज लेट हो गया। जियान, अगर आज हमने फिर से ट्रेन मिस कर दी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जानता हूँ, इसीलिए तो मैं तेज तेज भाग रहा हूँ। जियान सुनियो। नोबिता मतलब प्रेसिडेंट। बाय बाय। प्रेसिडेंट होना अच्छा होता है। हाँ हमें जल्दी करनी चाहिए वरना हम लेट हो जाएंगे। एम्प्लॉई होना बहुत मुश्किल होता है। मॉम, अब तुम एक एम्प्लॉई हो, ये मॉम मॉम करना बंद करो, समझे? अरे वाह, प्रेसिडेंट का ऑफिस कितना अच्छा है, ये तो मेरे घर से भी ज्यादा बड़ा है। ठीक है अंदर आ जाइए। वेरी गुड मॉर्निंग सर। अरे वाह शिज़ुका। प्रेसिडेंट नोबिता, आपकी मीटिंग का टाइम हो गया है। मीटिंग? वो किस लिए? माउस हाउस की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, वो रैट ट्रैप जिसे डेकिसुगी इंडस्ट्री के साथ मिलकर डेवलप करना है सर। हाँ ये कितना बोरिंग है, क्या सभी प्रेसिडेंट को ऐसा ही काम करना पड़ता है? हाँ, आखिर ये आप क्या कह रहे हैं प्रेसिडेंट नोबिता? चलो छोड़ो भी। अच्छा ये बताओ शिज़ुका, क्या तुम अम्यूजमेंट पार्क चलोगी? क्या अम्यूजमेंट पार्क? हाँ मैंने रोलर कोस्टर और मेरी गो राउंड बुक कराया है शिज़ुका, वो भी सिर्फ अपने लिए। हाँ पर सब काम करेंगे और हम अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे, क्या ये अच्छा रहेगा?
अगर तुम अम्यूजमेंट पार्क नहीं जाना चाहती तो डिपार्टमेंट स्टोर कैसा रहेगा? वहाँ तुम जितने चाहे उतने सॉफ्ट टॉयज खरीद सकती हो। पता है मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगा, ट्रिपल कर दूंगा, नहीं मैं 5 times कर दूंगा। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं सर? अरे उसे छोड़ो, अब चलो कहीं चलते हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है नोबिता। हाँ डोरेमोन, तुम यहाँ पर? तुम्हारी कंपनी के सब लोग काम कर रहे हैं और तुम घूमने जाना चाहते हो, इस तरह तो तुम्हारी कंपनी खत्म हो जाएगी। क्या तुम चाहते हो कि ऐसा ही हो? डोरेमोन, क्या तुम प्रेसिडेंट को बता रहे हो कि क्या करना चाहिए? मैं तुम्हारी कंपनी में काम नहीं करता, इसलिए तुम मेरे प्रेसिडेंट नहीं हो, मैं जो चाहूँ वो कह सकता हूँ। ये सब बातें छोड़ो और चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। चलो शिजुका, अब तुम्हारी कंपनी का जो भी हाल होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। ये बकेट यहाँ किसने रखी है? मुझे जल्दी से बताओ। आई एम सो सॉरी सर। सुनियो की मॉम, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, तुम्हारी आधी सैलरी काट दी जाएगी। सर ये आप क्या कह रहे हैं? आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए सर। अब मैं आपके साथ एक पल भी काम नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ और आपको जल्दी ही मेरा रिजाइन मिल जाएगा। रुको शिजुका, मैं तुम्हारी सैलरी 10 गुना बढ़ा दूंगा और तुम्हें हफ्ते में 5 दिन की छुट्टी भी दूंगा। शिजुका मत जाओ। अरे मुझे तो भूख भी लगने लगी। इंतजार करने के लिए थैंक यू सर। तुम्हें पता है ना, मुझे गाजर पसंद नहीं और हरी मिर्ची भी नहीं। पर ये आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं, आपको खाना ही पड़ेगा। पर मुझे ये पसंद नहीं, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मुझे इन्हें खाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात बताइए, क्या हमें फैसला खुद ही लेना पड़ेगा? हाँ, प्रेसिडेंट नोबिता पता नहीं कहाँ है। मैं देखकर बताती हूँ, वो बाहर गए हैं घूमने के लिए। क्या बाहर है घूमने गए हैं और हम यहाँ काम कर रहे हैं? लेकिन जैको एक बात बताओ, ये सब तुम्हें कैसे पता चला? वो बात ये है कि मैंने शिजुका की जगह ले ली है, अब मैं नोबिता सर की सेक्रेटरी हूँ। हाँ, शिजुका को क्या हुआ? शिजुका ने रिजाइन कर दिया है। तुम हमसे मजाक कर रही हो? अरे ये क्या गेम ओवर हो गया? पर चलो ठीक है, मेरे पास बहुत सा पैसा है, मैं प्रेसिडेंट हूँ ना। अरे गेम फिर से खत्म हो गई। कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। पर ये क्या गेम तो जल्दी खत्म हो गई। अरे हाँ, अब ये क्या करने वाले हैं? नोबिता सर तो अब ऑफिस में वीडियो गेम्स रखवा रहे हैं। जियान क्या? वो तो ऑफिस को गेम्स पार्लर बना देंगे। बहुत हुआ, अब मैं और नहीं सह सकता, मैं जा रहा हूँ। हाँ चलो डेकीसुगी इंडस्ट्री में काम करने चलते हैं, मैंने सुना है वहाँ के प्रेसिडेंट बहुत मेहनती हैं। अरे नहीं, शाम हो गई, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या कोई है मेरे लिए कुछ खाने को ला सकती हो? जैको कहाँ हो तुम? वो कहाँ चली गई है? वो अचानक कहाँ चली गई? क्या कोई यहाँ पर है? समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम बस खेलते ही रहे। डोरेमोन, तुम्हारी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज तुम्हारी हरकतों से परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने डेकीसुगी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया है। क्या कहा? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सभी लोग ध्यान से सुनो, मेरे पास एक अच्छी खबर है। प्रेसिडेंट फिल गेट्स और हमारी कंपनी मिलकर माउस हाउस का एक गेम वर्जन बनाने जा रहे हैं दोस्तों। वाओ, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी खबर है सर, मजा आ गया। ये तो बहुत बढ़िया हुआ, हमारे प्रेसिडेंट बहुत अच्छे हैं। अरे मैं अच्छा नहीं, आप सब बहुत अच्छे हैं, बस इसी तरह मेहनत करते रहिए। प्रेसिडेंट डेकीसुगी प्रेसिडेंट नोबिता से कितने अलग है ना? जियान क्या तुमने सुना, नोबिता इनकॉर्पोरेटेड बैंकक्रप्ट हो गया है। क्या सच में? मुझे तो कोई हैरानी नहीं है, प्रेसिडेंट नोबिता तो बस खेलते रहना चाहते थे, उन्हें मैनेज करना बिल्कुल भी नहीं आता था। अच्छी बात तो ये है कि हम डेकीसुगी इंडस्ट्री में आ गए हैं जियान। सही कहा, अगर हम भी प्रेसिडेंट नोबिता के साथ रहते तो हमें हमारी सैलरी तक नहीं मिलती। क्यों? अब किसी को नहीं पता कि प्रेसिडेंट नोबिता क्या करेंगे। मेरी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई, इसका मतलब मेरे पास ना एम्प्लॉइज है, ना कंपनी और ना पैसा। देखो नोबिता, तुम प्रेसिडेंट का काम ठीक से इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे थे। अब तो पता चल गया ना, काम करना कितना जरूरी होता है। हाँ
चाहे आप रेजिडेंट हो या एम्प्लॉई, काम करना वाकई जरूरी है।